हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करना है आपको लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इक्वल टू टू देन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे और वैल्यू दे रखा हो, ठीक है, तो एक्सपेंशन यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस ऑन फिर माइनस बी कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाय फोर फैक्टोरियल, ये फिर निगेटिव हो जाएगा, एक्स सिक्स बाय सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन और फिर प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो वन माइनस इसी में एक अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर दीजिए तो ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा। अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यू बाय थ्री फिर एक्स फाइव बाय फाइव फिर ये निगेटिव हो जाएगा आपका एक्स सेवन बाय सेवन फिर पॉजिटिव और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, टू दे रखा है। दैट इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहां से क्या हो जाएगा ए, क्योंकि यहां देखिए डिनोमिनेटर में एक्स का सबसे मिनिमम क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तक हमको लिखना चाहिए कोफिशियंट ए इंटू वन माइनस बी इंटू वन तो माइनस बी और फिर यहां प्लस सी इंटू वन प्लस सी, एक टर्म हो गया। फिर सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका एक्स जिसमें कॉमन लेंगे ए इंटू एक्स बाय वन फैक्टोरियल, इसमें है ही नहीं एक्स, इसमें है माइनस सी तो ए माइनस सी इंटू एक्स बाई वन फैक्टोरियल, फिर प्लस इसको वन फैक्टोरियल कर देते हैं, फिर प्लस अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म में ए बाय टू फैक्टोरियल, यहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बी बाय टू फैक्टोरियल और फिर प्लस सी बाय टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब वाले टर्म जाएगा तो ए बाय थ्री फैक्टोरियल, इसमें क्यूब नहीं है, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस सी बाय थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, इस तरह से एलिमेंट आपका जाते रहेगा। अपॉन यहाँ एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाय फाइव फैक्टोरियल माइनस सिक्स बाय सेवन फैक्टोरियल प्लस वन। देखिए अब दिस विल बी फाइनाइट एंड इक्वल टू टू, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों अगर जीरो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू मिल जाएगा आपका टू। दैट मीन्स ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस फोर लिमिट इज एग्जिस्ट, ये हो गया क्यों हुआ क्योंकि लिमिट आपको टू दे रखा है, फोर लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू टू एंड इक्वल टू टू, देन ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये दोनों अब जीरो हो गया। तो अब यहाँ आपको एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा और दिस इक्वल टू टू, अब ये केवल कॉन्स्टेंट बचा यानी इसका मीनिंग हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू फैक्टोरियल, सब में टू फैक्टोरियल है, दिस इक्वल टू टू दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर, इस सब से हमको कोई रिलेशन नहीं नीड हुआ।
हमको केवल यही चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। लेकिन समटाइम्स आपको अगर a का वैल्यू पूछ ले या b का वैल्यू या c का वैल्यू, तो आपको इस 3 इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी, सो दिस इक्वल टू 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।